हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एक इंस्ट्रूमेंट दैट इज पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं। पोटेंशियोमीटर, ये हमारा आज का टॉपिक है, इसी के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। एक इंस्ट्रूमेंट है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, और सबसे पहली चीज कि ये इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज होता है। फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द मेजरिंग द ईएमएफ ऑफ अ प्राइमरी सेल और फॉर कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल, एंड आल्सो इट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल। तो तीन यूजेस की मैंने बात की। हम किसी सेल का ईएमएफ इससे मेजर कर सकते हैं, दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, और किसी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। और एक काम और भी कर सकते हैं, वी कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट दैट इज द पोटेंशियोमीटर। जैसा कि इसके नेम से ही क्लियर है, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल मेजर करने के लिए जो यूज किया जा रहा है। अब एक क्वेश्चन यहाँ आना चाहिए कि मैंने कहा कि सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, तो आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा सिंपल सा, वाई सर इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि सेल का ईएमएफ मेजर करने के लिए तो हम वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट प्रोसेस है, सीधे सीधे कनेक्ट किया और बता देगा। लेकिन जब टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए थे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स, तो मैंने आपको ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में बताया था। तो व्हाट इज द ईएमएफ, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ द सेल। एंड द टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल। तो सिंपल है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल अलग अलग होता है। जब हम वोल्ट मीटर के थ्रू किसी सेल का ईएमएफ मेजर करते हैं तो वोल्ट मीटर भी एक करंट लेता है, मीन्स सेल से करंट फ्लो होता है, ड्रॉ होता है। और जब करंट फ्लो होगा तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस उसके पाथ में एवस्टकल अडॉप्ट करेगा, और उस पोजीशन में जो एक्चुअल ईएमएफ है सेल का वो मेजर नहीं होगा, कुछ कम मेजर होता है। तो यहाँ पे, और एक्चुअल हम कब मेजर कर सकते हैं, वेल नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल शुड बी इन ओपन सर्किट, मतलब सेल से जब कोई भी करंट ना लिया जा रहा हो उस समय उसके इलेक्ट्रोड्स यानी पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ है। और ये हम कैसे यूज कब मेजर कर पाएंगे, जब सेल से करंट कोई ड्रॉ ना किया जा रहा हो, और जब वोल्ट मीटर लगाएंगे तो करंट तो ड्रॉ हो गई होगा। तो एक ही इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। एक्चुअली सबसे पहले तो हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि वो कैसा होता है, ठीक है। तो लेट वी सी हियर, दिस वन इज अ पोटेंशियोमीटर, जिसको हम पोटेंशियोमीटर बोल रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक वुडन बोर्ड है जिसके ऊपर एक वायर लगा हुआ है, जो आपको ऑलमोस्ट फोर वायर दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली ये एक ही वायर है, कैसे है वो मैं बताऊंगा। और इसके साथ में ये जो आप दो वाइंडिंग स्क्रू देख पा रहे हैं, दोनों वाइंडिंग स्क्रू जिनसे कि हम बैटरी या सेल को कनेक्ट करेंगे, और ये इसके साथ में एक स्लाइडर लगा हुआ है जिसको हम जॉकी बोलते हैं, जो मीटर बिज में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी के बारे में हमें आज डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो ये क्या है, अ डिवाइस यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। ये तो हुआ इस डिवाइस का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे ये कंस्ट्रक्शन कैसा है इसका। तो कंस्ट्रक्शन सिंपल सा ऐसा है कि एक वायर है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, इस तरीके से ये फोर वायर आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। एक्चुअल में ये एक ही वायर है मैंने बोला, और यहां पर ये दो वाइंडिंग स्क्रू हैं, और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक वुडन बोर्ड पर है,
वुडन बोर्ड के ऊपर फिट किया गया है। ये दोनों वाइंडिंग स्क्रू हैं और यहाँ पर एक 0 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर मीन्स ये वायर जो फिट किया गया है वो एक मीटर स्केल के पैरेलल फिट किया गया है इस तरीके से, और इसी वायर को 1 मीटर के सेगमेंट में टर्न कर दिया गया है। मीन्स ये वायर 1 मीटर से लेकर 20 मीटर तक हो सकता है। अलग अलग लेबोरेटरीज में, जैसे आप लोग स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो अलग अलग स्कूल के लेबोरेटरी में आपको अलग अलग तरीके के पोटेंशियोमीटर देखने को मिलेंगे, 4 वायर के, 8 वायर के, 12 वायर के। मीन्स 1 वायर का होगा तो 1 मीटर लॉन्ग वायर होगा, 4 वायर का है तो 4 मीटर लॉन्ग होगा, 8 वायर का है तो 8 मीटर लॉन्ग होगा। और ये तो सिंपल डिवाइस है, लेकिन ये इस तरीके से हम सेल का EMF कैसे मेजर कर लेंगे सिर्फ इतने से। इसके साथ में कुछ एडिशनल कंपोनेंट यूज होते हैं, कुछ एसेसरीज यूज होती हैं, उनको भी बता देते हैं कैसे यूज करते हैं। तो जैसे मैंने इन दो वाइंडिंग स्क्रू को शो कर लिया, ए एंड वी, और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक वुडन बोर्ड के ऊपर लिया गया है इस तरीके से। मैं डॉटेड में शो कर देता हूँ, ये एक वुडन बोर्ड है जिसके ऊपर ये पूरा सिस्टम यूज किया गया है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, इसमें आप इजिली देख पाएंगे, ये एक नीचे मीटर स्केल लगा हुआ है, उसके ऊपर ये वायर इसी तरीके से 4 सेगमेंट में जैसे मैंने बनाया है, और ये वो वाइंडिंग स्क्रू हैं जिनको मैंने AV नेम दिया है, ठीक है। इन पर हम बैटरी या किसी सेल को कनेक्ट करेंगे, और ये साथ में एक जॉकी है, वो इससे कनेक्ट नहीं है, अलग है, ठीक है, ओके। अब कंस्ट्रक्शन की बात हो गई, ये जो वायर होता है मेड बाई अ वायर ऑफ मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। इसका जो वायर है उसका मटेरियल क्या है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन है। तो सिंपल कंस्ट्रक्शन आप कैसे बता सकते हैं, इट इज अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया विद अ मटेरियल और मेड बाई मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन फिटेड ओवर अ वुडन बोर्ड पैरेलल टू अ मीटर स्केल, ठीक है, सिंपल कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रिंसिपल की बात करते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो पहले मैं इनकी एसेसरीज को बता देता हूं, आप इसके साथ में एसेसरीज क्या क्या यूज होगी ये पार्ट में कर देता हूं। डॉटेड पार्ट का मतलब वुडन बोर्ड है यहां पर सिर्फ ये। अब देखिए इसके साथ में जो जो हम यूज करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक यूज करने वाले हैं रीहोस्टेट। रीहोस्टेट मीन्स इट इज अ डिवाइस यूज टू कंट्रोल द करंट इन अ सर्किट, ठीक है, ये रीहोस्टेट। इसके बाद में हम एक एमीटर जिसमें कि करंट फ्लो होगा, और उसके बाद में एक बैटरी, ठीक है, और इस तरीके से, और यहाँ पर एक की वन वे की जो इसमें स्विच का वर्क करेगी और ऑफ का, और इसको हम ले जाकर कनेक्ट कर देंगे बी पॉइंट से, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप इजीली देख पा रहे हैं कि ये इसका माइनस और ये इसका प्लस होगा एमिटर का। तो ए जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और बी जो है वो क्या होगा, निगेटिव टर्मिनल हो गया। और उसमें हमने क्या क्या ऐसे सलीव ऐड की है, एक रीहोस्टेट यूज किया है, एक एमीटर यूज किया है, एक बैटरी यूज की है, बैटरी और बैटरी एलिमिनेटर। तो वो भी मैं आपको वन बाई वन शो कर देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले रीहोस्टेट की बात करते हैं, दिस इज द रीहोस्टेट, ठीक है। जब हम इसको कई सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो इसमें एक ये वायर है जो इस पर टर्न किया गया है बाउंडेड ओवर दिस, और ये एक जॉकी है जो इस पर स्लाइड कर सकती है। मीन्स सर्किट में हम इस जॉकी को, सर्किट में इस रीहोस्टेट डिवाइस को कनेक्ट करके इस जॉकी को बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव करा के जितना ये वायर इस पर टर्न किया गया है, इसकी कुछ लेंथ का रेजिस्टेंस इन्वॉल्व कर सकते हैं। मींस रेजिस्टेंस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस कम और ज़्यादा होगा तो आपको ऑलरेडी पता है करंट की वैल्यू भी वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो मींस करंट को हम वेरी कर सकते हैं बाई दिस डिवाइस, दिस इज द रीहोस्टेट जो यहाँ पर कनेक्ट की जाएगी। और दूसरी टर्म मैंने डिवाइस यूज की है यहाँ पे एमीटर, विच इज यूज टू मेजर द करंट, कितना करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है। यू कैन सी दिस इज एन एमीटर, ठीक है,
और इस एमीटर की जो रेंज है 0 to 3 एम्पियर है, 0 से 3 एम्पियर तक का करंट ये मेजर कर सकता है। एमीटर के बारे में आप ऑलरेडी जानते ही हैं, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, जब सर्किट में कनेक्ट किया जाएगा तो ये करंट को रीड करके आपको बता देगा कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो दिस इज एन एमीटर। नेक्स्ट वन इज बैटरी एलिमिनेटर, और बैटरी जिसको हम बोलेंगे इसका ड्राइवर सेल, यहाँ पर हम एक बैटरी एलिमिनेटर और ड्राइवर सेल यूज करेंगे, जो हमारी लेबोरेटरी में ऑलमोस्ट किस तरीके का होता है। दिस वन इज अ बैटरी एलिमिनेटर, ये आप बाहर देख सकते हैं, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है रेड वाला, ये ब्लैक जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है, और ये इसका रेगुलेटर है जिससे हम सर्किट में करंट वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। फ्रॉम ये कितना है 0 to 12 वोल्ट तक हम इस, मतलब यहाँ से हम 0 to 12 वोल्ट तक अप्लाई कर सकते हैं इनके अक्रॉस, पॉइंट्स ए बी के अक्रॉस, मीन्स पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा बैटरी एलिमिनेटर, जिसको हम ड्राइवर सेल बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग, तो आपने देख लिया कि एमिटर यूज होगा, रिहोस्टेट यूज होगा, एक ड्राइवर सेल बैटरी यूज होगी, और ये जस्ट स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए सर्किट को। अब प्रिंसिपल हमारा क्या है, प्रिंसिपल इज दिस, द पोटेंशियल फॉल अक्रॉस द लेंथ ऑफ दिस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। इसका मतलब क्या, इसका सीधा सा मतलब है कि इस वायर की जितनी लेंथ के बीच का पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे वो उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ सर्टेन लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर। अब इस लेंथ को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या है लेंथ। लाइक जब हमें किसी सेल का ईएमएफ मेजर करना है जब सिचुएशन में, तो उस कंडीशन में ये लेंथ इन्वॉल्व होगी, और कैसे, द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एंड आपको पता है जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वो होगा के, वेयर के इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं हम इसको। तो सिंपल है, यहां से पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या हो गया, बी अपॉन एल। तो सिंपल है, अगर हमने इस ड्राइवर सेल के थ्रू 2 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, और इस वायर की लेंथ कितनी है, 1, 2, 3 एंड 4 मीटर लॉन्ग ये वायर है, तो यहां अगर हम पोटेंशियोमीटर निकालना चाहें फॉर 2 वोल्ट के लिए, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 एन मीटर, दिस इज 0.5 वोल्ट पर मीटर। ये इस पोटेंशियोमीटर की पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गई सिंपली। बट वी ऑल्सो नो दैट द फॉर्मूला ऑफ बी इक्वल्स टू आई आर, एंड आई आर कैन बी रिटन एज रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, एल इज द लेंथ ऑफ वायर, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। सो फॉर्मूला इज दिस, आई रो अपॉन ए, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो अगर हम इससे कंपेयर करें, बी इक्वल्स टू के एल, सो के इज ऑल्सो इक्वल्स टू आई रो अपॉन ए। तो यहां का एक मीनिंग और भी हुआ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए आई, यहां पर जो भी फ्लो हो वो कांस्टेंट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी ऑलरेडी कांस्टेंट होती है मटेरियल के लिए, और द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस वायर इज यूनिफॉर्म। तो ये तो है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। अब बात आती है कि हम सेल का ईएमएफ मेजर कैसे करेंगे इसके थ्रू, कैसे मेजर करेंगे। तो जिस सेल का हमें ईएमएफ मेजर करना है उसको हम क्या करेंगे, वी आर कनेक्टेड द गिवन सेल द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस डिवाइस, लाइक दिस पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। नाउ अ गैल्वनोमीटर, यू नो अबाउट द गैल्वनोमीटर विच कैन डिटेक्ट द करंट इन एनी सर्किट, सो दिस इज अ गैल्वनोमीटर, एंड दिस वन इज अ वायर
कनेक्टेड विद अ जॉकी विच कैन बी फ्लाइड ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर एनीवेयर। ठीक है, तो कनेक्शन बिल्कुल क्लियर है। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इस पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लिया जाए, उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लिया जाए, और गैल्वेनोमीटर का जो अदर एंड है इससे आने वाला वायर एक जॉकी के साथ में कनेक्ट कर लिया जाए। जॉकी अभी अभी दिखाया था मैंने आपको, दिस वन इज जॉकी। ठीक है, इसको हम कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ। कैसे? सेल तो फिर ये एक सेल हम यूज कर लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, इसको कनेक्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर, दिस इज द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसके बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इस गैल्वेनोमीटर का ये पॉजिटिव टर्मिनल है जो सेल के नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया। रिमेनिंग ये जो जॉकी है, इस जॉकी को हम कहीं पर भी इस वायर पे स्लाइड करा सकते हैं इस तरीके से, जैसे ये जो एरो मैं शो कर रहा हूं, इस तरीके से कहीं पर भी स्लाइड करा सकते हैं। और जहां कहीं भी गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन आएगा, मीन्स द लिल और इंडिकेटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज एट द जीरो पॉइंट, मीन्स द गैल्वेनोमीटर शोज द नो डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट, जहां पर भी ये शो करेगी गैल्वेनोमीटर, तो उस पॉइंट पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? नाउ देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, द सेल इज इन ओपन सर्किट। और मैंने क्या बताया, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ दैट सेल, और हम यही से मेजर करने जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जहां पर भी है, फॉर एग्जाम्पल ये यहां पर आ गया, और ये जो लेंथ है फ्रॉम द पॉइंट जीरो टू यहां से यहां तक, कि आप देख पा रहे हैं कि ये वन मीटर पहला वाला सेगमेंट है, दूसरे सेगमेंट में ऑलमोस्ट ये 40% इधर का शो हो रहा है। तो हम ये सपोज कर सकते हैं 100 सेंटीमीटर यहाँ हो गए और 40 सेंटीमीटर अप्रॉक्स यहाँ हो गए, तो यहाँ पर आके नो रिफ्लेक्शन अगर मिला तो इस लेंथ को हम क्या शो कर लेंगे, एल सपोज कर लेंगे, जो टोटल लेंथ है बिटवीन ए एंड जे, ये एक्चुअली एल है। इसी को हम मेजर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बी इक्वल्स टू के एल, अगर हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है। और इस सिचुएशन में सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और अगर यहां पर हम ये नोटिस कर सकते हैं, इफ एल वी द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर फॉर नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, then the EMF of cell is given by E equals to KL. Now this is the EMF of cell. पहले हमने V लिखा था इसको, B normally potential difference का symbol है, जब हम EMF measure करते हैं तो E use करते हैं, small है capital, तो अगर potential gradient हमें already पता है, जो हमने 2 volt अगर यहाँ पर apply कर रखा है for example, तो 2 volt के लिए potential gradient कितनी थी, 4 meter long wire है, और 2 volt हमने potential apply कर रखा है, अगर यहाँ पे 2 और 0.5 ये हो गई है, तो जो भी ये पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाई जिस लेंथ पे भी ये नो डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल जाएगा वो सेल का ईएमएफ मेजर करेगा। सो आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा कैसे। तो सबसे पहले अब मैं एक बार इसको रिपीट करता हूँ सिंपल वे में, कि व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर, इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, और द ई एम एफ ऑफ अ सेल बाई द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वी कैन कंपेयर द ई एम एफ ऑफ टू सेल एंड ऑल्सो फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल बाई यूजिंग दिस पर्टिकुलर डिवाइस। तो डिवाइस के बारे में ये कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कैसे कंसिस्ट होती, इट कंसिस्ट ऑफ अ मैगनीन और कॉन्स्टेंटन वायर फ्रॉम 1 meter टू फ्यू मीटर लॉन्ग, 1 meter से लेके 4 मीटर 8 मीटर 12 मीटर कितना भी हो सकता है, फ्यू मीटर लॉन्ग, फिटेड ओवर अ वुडन बोर्ड पैरेलल टू अ मीटर स्केल। ओके, ये तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बारे में मैंने क्या बताया, इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, कौन से फैक्ट पे वर्क करता है इसका प्रिंसिपल, द पोटेंशियल ड्रॉप और द पोटेंशियल फॉल अक्रॉस द फर्टेल लेंथ ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, मीन्स
जैसे हमने ये बी और जे पॉइंट लिए हैं, तो बी और जे के बीच की जितनी भी लेंथ है, इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट वी एंड जे, जिसको हमने लिखा है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, वी इक्वल्स टू के एल, वेयर के इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज के एंड इट कैन बी कैलकुलेट बाई बी अपॉन एल, मीन्स वायर की जितनी भी लेंथ है और जितना पोटेंशियल हमने ड्राइवर सेल का अप्लाई कर रखा है, इससे डिवाइड करें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगी। इन अदर वे वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट बाई कीपिंग द करेंट कॉन्स्टेंट इन दिस एफएफएलईज, बाई नोइंग द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एंड बाई नोइंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, इतना हमें पता है। तो ये तो प्रिंसिपल हो गया। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं ईएमएफ, वो हमने देख लिया है। सेल को कनेक्ट किया किस तरीके से, पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल के साथ एक गैल्वेनोमीटर विद इन द जॉकी, और उस जॉकी को इस वायर पर हम कहीं भी स्लाइड करा सकते हैं। जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा उस पॉइंट पर हम इसको रोक लेंगे, और द लेंथ बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, जो लेंथ है ये, उसको मेजर कर लेंगे। और पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर हमें पता है तो डायरेक्टली ई इक्वल्स टू के एल इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसका ईएमएफ फाइंड आउट कर पाएंगे। अब फिर से एक क्वेश्चन ये आता है कि स्टार्ट में मैंने बोला था व्हाई वी यूज द पोटेंशियोमीटर टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल, नॉट वोल्ट मीटर। एक्यूरेसी के लिए वोल्ट मीटर को यूज ना करके पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं। रीजन, वोल्ट मीटर टेक सम करंट फ्रॉम द सेल एंड द सेल विल बी इन द क्लोज सर्किट when we measure the potential difference between the electrodes of a cell by using the voltmeter, लेकिन जब हम potentiometer का use करेंगे तो cell closed circuit में नहीं होगा, open circuit में होगा, मतलब cell से कोई भी current draw नहीं किया जाएगा। जैसा कि इस diagram से भी मैंने आपको बताया, galvanometer no deflection show करेगा तब measure करना है, और जब कोई current draw ही नहीं होगा तो cell open circuit में होगा। तो definition के according the potential difference between the electrodes of a cell when no current is drawn from the cell is called EMF. तो इस सिचुएशन में जो हम मेजर करेंगे वो क्या होगा, सेल का EMF होगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम सेल के EMF को मेजर कर सकते हैं बाई यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। और बाकी इसको प्रैक्टिकली अडॉप्ट करने के लिए हम इस डिवाइस का प्रैक्टिकल भी करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेज में, तब आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये कैसे यूज हो रहा है। एक सिंपल से सर्किट से और छोटी सी आपको बात बता देता हूँ कि ये क्या कंडीशन है यहाँ पर, वो भी देख लेते हैं हम कि हुआ ये है। एक्चुअली अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट एज्यूम करें, यहाँ पर एक सेल मैंने लगा रखा है और एक सेल यहाँ पर भी लगा रखा है, इसके साथ में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है और इसके साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इस सिचुएशन इस तरीके से पहले सेल का ईएमएफ E1 और दूसरे सेल का ईएमएफ E2 है, और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम जी सपोज कर लेते हैं। तो अगर E1 E2 में डिफरेंस है, मींस E1 इज ग्रेटर देन E2, तो इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, I इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ इज, अगर हम इधर से इधर जाएं या इधर से इधर जा सकते हैं किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग, तो नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट इज E1 माइनस E2 एंड द नेट रेजिस्टेंस इज G प्लस R, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। और तो यहां तो करंट फ्लो हो रहा है इस सिचुएशन में, लेकिन और अभी यहां पर जो भी सेल लगे हैं उनके ईएमएफ में डिफरेंस है, लेकिन अगर हम ये कंडीशन अडॉप्ट कर लें, इफ E1 equals to E2 अगर सपोज करते हैं, तो I दिस इज बिकम 0 डिवाइडेड बाई एंड I बिकम 0। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 0 हो गई, और I की वैल्यू 0 होते ही सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होगा, मतलब ये सेल अब ओपन सर्किट में आ गए हैं। इसी सर्किट का यूज यहाँ पर्टिकुलर किया गया है, देख रहे ना आप। E1 E2 अगर इक्वल हैं तो I की वैल्यू 0 हो गई है, मीन्स सेल क्या हो गया, ओपन सर्किट में हो गया। और इस सिचुएशन में अगर कुछ इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेवर किया जा सकता है तो वो क्या होगा, इसका ईएमएफ होगा। वही यहाँ पे हुआ है, एक सेल ये और एक सेल ये, बोथ आर इन द सेम सिचुएशन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय।